Assalamu alaikum, मैं हूँ नाज़नीन एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल उस्मान नाज़ी ई लर्निंग। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के टॉपिक में मैं बताने वाली हूँ कि वो कौन से चंद स्टेप्स हैं, वो कौन सी ऐसी रूटीन है जिसको फॉलो करते हुए आप इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं और प्लस अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप कर सकते हैं। आई एम डैम श्योर कि अगर आप जस्ट 1 वीक इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो आप अपने अंदर चेंजिंग्स देखेंगे। आपको खुद फील होगा कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है और आप के अंदर क्या क्या ग्रूमिंग हुई है, क्या क्या चेंजिंग आई है, राइट? सो ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जिनके अंदर लिसनिंग पार तो है, इंग्लिश लिसनिंग पार है, बट उनको स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, स्पीकिंग में हेजिटेशन फील करते हैं और टेंसेस भी उनके सारे क्लियर हैं लेकिन बोलने में इशू है। ये स्पेशली वीडियो इन लोगों के लिए है, ठीक है? तो आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मेरी और भी मज़ीद स्पीकिंग से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोज़ मिस ना हो। और लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स में मुझे आपने लाजमी बताना है कि आपके अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आएंगे, ठीक है? तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 5 स्टेप्स में आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। वो 5 स्टेप्स आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं पूरे दिन में, किसी भी टाइम, वक्फे से भी कर सकते हो, सुबह दोपहर शाम, वो रूटीन आपने अपनी खुद सेट करनी है और इन 5 स्टेप्स को आपने 1 वीक तक कंटिन्यू रखना है। आफ्टर 1 वीक आप देखिएगा, आई एम डैम श्योर कि आप अपने अंदर चेंजिंग देखेंगे कि आपके अंदर क्या चेंजिंग आई है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल कितना बिल्डअप हुआ है और ये सब आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएंगे, मैं इस चीज़ का वेट करूँगी। चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप वन ये है कि आपने एक न्यूज़पेपर लेना है या मैगज़ीन लेना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में से आपने एक पैराग्राफ चूज़ करना है। उस पैराग्राफ से आपने हाईलाइट करने हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपने डिक्शनरी से कंसल्ट करना है, उनके सिनोनिम्स और उनके मीनिंग्स जो हैं आपने वो लिखने हैं, ठीक है? और फिर उन मीनिंग्स को, उन वर्ड्स को, मीनिंग से ये आपको वर्ड अंडरस्टैंड हो गया और उन वर्ड्स को आपने सेंटेंस मेकिंग करनी है, सेंटेंस बनाने हैं ताकि थोड़ा आप अपना माइंड को वर्किंग में सोचेंगे, थिंकिंग अपनी वो करोगे कि इसको हम क्या सेंटेंस बनाएं। एक स्टेप तो ये है कि न्यूज़पेपर को आपने कंसिडर करना है, ठीक है? सेकेंड स्टेप आपका क्या है कि आपने 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा, हाफ एन आवर आपने कार्टून नेटवर्क देखना है। कार्टून नेटवर्क पर आपने इंग्लिश कार्टून्स देखने हैं, उर्दू कार्टून्स नहीं देखने, ठीक है? कार्टून नेटवर्क आपने देखना है। इंग्लिश कार्टून नेट जो होते हैं उसमें बेसिकली बच्चों के, जो बच्चे सीख रहे होते हैं इंग्लिश, उस लेवल पर स्लोली इंग्लिश बोली जा रही होती है। तो हमारे जो ऑफकोर्स जो बिगनर्स हैं, जो वो भी स्टार्ट में स्टार्ट कर रहे हैं लर्निंग, तो हम इस लेवल से लेकर चलेंगे। आपने 30 मिनट्स तो लाजमी कार्टून नेटवर्क देखना है, ठीक है? और साथ आपने बीबीसी न्यूज़ देखनी है। बीबीसी न्यूज़ क्योंकि हम ब्रिटेन जो है वो फॉलो करते हैं, एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट फॉलो करते हैं, तो बीबीसी न्यूज़ लाजमी आपने देखनी है। मदर लैंग्वेज इंग्लिश जो है वो ब्रिटेन्स की है तो आपने बीबीसी न्यूज़ देखना है, सीएनएन नहीं देखना, ठीक है? एक बात, अगर ये नहीं देख सकते तो आप इंग्लिश मूवीज़ देखें सबटाइटल के साथ, ये आपके जो है बहुत बिल्डअप करेंगी, स्पीकिंग पावर को इंक्रीज करेंगी, ठीक है? फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप ये है कि आपने मिरर के आगे खड़े हो जाना है, ठीक है? और कॉन्वर्सेशन करनी है अपने साथ ही इंग्लिश में, किसी भी टॉपिक पर आप कर सकते हो। कम अज़ कम 20 to 25 मिनट्स की कॉन्वर्सेशन आपकी होनी चाहिए। लास्ट और फिफ्थ स्टेप क्या है कि जब आप रात को सोने के लिए लेट जाओ तो अपने सराउंडिंग्स में देखें, रूम में देखें और किसी भी एक चीज़ को, कर्टन्स हैं, फ़ैन है, स्विच बोर्ड है, इवन दो डोर्स के हैंडल है, आप किसी भी एक चीज़ को पकड़ लो। जस्ट लाइक मैं एक छोटी सी चीज़ देखती हूँ कि डोर का हैंडल है, ठीक है? आप वो देखें कि वो उसमें, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, उसके बेनिफिट्स देखें, उसके ड्रॉबैक्स देखें, ठीक है? वो आपको कैसे हेल्प दे रहा है वो देखें, कि वो सेंटेंसेस उससे रिलेटेड आप जो है ना समझ लें कि आपने ऐसे सोचना है कि आप उसके ऊपर मैक्सिमम कितना लिख सकते हो अगर आपको लिखना पड़ेगा किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, मैं आपको थोड़ा गाइड कर देती हूँ। हाँ, फ़ैन
फैन को लेकर चले डिस्कस कर लेते हैं कि फैन को आप देखते हो तो आप देखो कि फैन का स्ट्रक्चर क्या है, ये किस चीज़ का बना हुआ है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं. तो वाओ, इट्स अ फैन, इट गिव अस एयर, इट हैज़ अ थ्री विंग्स, इट्स मेड अप ऑफ मेटल. ठीक है, इस तरह आपने सेंटेंस मेकिंग करनी है और मैक्सिमम जितना आप उस पर बोल सकते हो, कर सकते हो, वो करेंगे. ठीक है, तो आपने इस रूटीन को ऑनेस्टली फॉलो करना है. आई एम डैम श्योर कि आप अपने अंदर चेंजिंग देखेंगे और आपने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना है. मुझे, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी. ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. 1 वीक तक इसको फॉलो करना है आपने. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ. अल्लाह हाफिज़.